हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो क्या हाल है यार। तो दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कृष्णा की अपकमिंग एल्बम के बारे में, जिसमें वो शायद चैन के को डिस करने वाले हैं। इसके अलावा मूफार ने अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी डाली जिसमें उन्होंने पोक करा कृष्णा को, और चैन के ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाली है जिसका टाइटल है इज मोदी अ टेररिस्ट, और उस वीडियो में उन्होंने बात करी है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के बारे में। इसके अलावा उनका जो सॉन्ग आया था अभी कुछ दिनों पहले अजनबी, उसका लिरिक्स ब्रेकडाउन करा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सारी अपडेट्स जानने के लिए वीडियो को देखना एकदम एंड तक। तो पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली अपडेट आ रही है कर्मा की तरफ से। तो दोस्तों, दो तीन वीडियोस पहले मैंने आप लोग को एक गाने के बारे में बताया था कर्मा का, जो कि कर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर डाला था, और वो जो गाना था वो था ओल्ड कैची हुक, जो कि कर्मा ने दो तीन साल पहले निकाला था उनके यूट्यूब चैनल से, पर अभी वो प्राइवेट कर दिया था और उसको वापस से रिक्रिएट करके कलमकार के चैनल से आउट करा था कैची हुक के नाम से, पर अभी वो पब्लिक हो चुका है। तो अगर आप लोग वो गाना सुनना चाहते हो तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और गाने का नेम है हाजिर जवाब बाय विवेक। और उस टाइम पे जब ये गाना आउट हुआ था तब कर्मा का स्टेज नेम विवेक ही था। तो जाओ सुनो अगर इंटरेस्टेड हो तो। मुझे काफ़ी पसंद आया है गाना और स्टोरी काफ़ी पसंद आई मुझे। तो अगली अपडेट आ रही है एडी नागर की तरफ से। तो दोस्तों, एडी नागर का जो सॉन्ग आउट होने वाला था जिसका नेम था लास्ट नेम गुजर, वो आउट हो चुका है। तो अगर आप लोग वो गाना सुनना चाहते हो तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और जैसी बात हो रही थी इस गाने के बारे में, और जैसा कि टाइटल है गाने का लास्ट नेम गुजर, तो वैसा ही कुछ गाना है और उनकी कम्युनिटी के ऊपर ही उन्होंने लिखा है, और मुझे काफ़ी पसंद आया है। लिरिक्स काफ़ी अच्छे लिखे हैं भाई ने। इसके अलावा वीडियो के ऊपर खासा काम किया गया है। तो जाओ सुनो, बढ़िया गाना है और सपोर्ट करो भाई को। इसके अलावा एडी नागर ने उनके नेक्स्ट ट्रैक के बारे में भी बताया है कि अगला गाना उनका कौन सा होने वाला है। तो वो जो गाना होएगा उसका नेम है डू और डाई पार्ट टू। और अगर आप लोगों ने डू और डाई सुना है एडी नागर का, जो कि दो साल पहले आया था, तो उसी का ये नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। तो अभी तो फिलहाल नहीं आएगा क्योंकि अभी गाना आउट हुआ है, कम से कम एक दो महीने लगेंगे। तो अगली अपडेट आ रही है कृष्णा की तरफ से। तो दोस्तों, कृष्णा ने अपने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट डाला और उसके हैशटैग्स में लिखा था हैशटैग सच्चाई एल्बम पे मिलेगी, और एक और हैशटैग है जो कि आप लोग देख सकते हो जैकी चैन, और जैकी चैन से यहाँ पे इनका मतलब है चैन के। तो ये पोस्ट से ये तो कन्फर्म हो जाता है कि कृष्णा की बहुत जल्दी एक एल्बम आने वाली है जिसमें वो डिस करने वाले हैं चैन के को। और आप लोग का इस चीज़ पे क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो इसके बाद से चैन के ने इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी स्टोरी में डाला और कुछ ऐसा लिखा कृष्णा को टैग करते हुए, गिव योर बेस्ट रफ्तार्स। तो देखते हैं, इस रिप्लाई से तो लग रहा है कि चैन के तैयार है कृष्णा के डिस के लिए। और अभी एल्बम में तो वैसे टाइम होगा, इतने जल्दी एल्बम नहीं निकालने वाले कृष्णा, पर जब भी आएगी तब अच्छी खासी बीफ होने वाली है। तो अगली अपडेट आ रही है मूफाड़ की तरफ से। तो दोस्तों, मूफाड़ ने अपने इंस्टाग्राम में कुछ स्टोरी डाली और उसमें एक तरीके से पोक कराए कृष्णा को। तो आप लोग देख सकते हो वो स्टोरी, बाल तो कलर करवा सकता है पर समझ गए ना आप लोग क्या कहना चाह रहे, दांत है तो ये कहाँ इशारा करता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सर जी उसके बाल पीले, मेरे दांत पीले पीले, इतने ज़्यादा हगू मुँह से मैं चूतड़ से। तो ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है कृष्णा और मूफाड़ के बीच में, दोनों टाइम टू टाइम एक दूसरे को पोक करते रहते हैं। तो अगली अपडेट आ रही है डीनो जेम्स की तरफ से। तो दोस्तों, डीनो जेम्स का एक न्यू सॉन्ग आने वाला है और गाने का नेम है विश लिस्ट, और ये होगा कैप्रिला के साथ में। इससे पहले इनका एक और गाना आ चुका है इनके साथ, और अभी आ चुका है इसका टीज़र। तो अगर आप लोग वो टीज़र देखना चाहते हो तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और मुझे टीज़र देख के ऐसा लग रहा है कि एक मोटिवेशनल ट्रैक होने वाला है डीनो की तरफ से, तो देखते हैं क्या चीज़ आती है। वैसे डीनो के मोटिवेशनल ट्रैक बहुत ही खतरनाक होते हैं, तो मुझे तो इंतज़ार है। आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोग सुनते हो कि नहीं डीनो के मोटिवेशनल गाने। तो अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली अपडेट आ रही है चैन के की तरफ से। तो दोस्तों, चैन के ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड करा है जिसका टाइटल है इज मोदी अ टेररिस्ट, और उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है एंड चैन के अजनबी लिरिक्स ब्रेकडाउन। तो अगर आप लोग ये वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा मैं आप लोग को इस वीडियो की एक शॉर्ट समरी दे देता हूँ कि क्या बात हुई है इस वीडियो में और किस चीज़ के ऊपर बात हुई है। तो वो जो गाना आया था अजनबी, उसमें कुछ ऐसे लिरिक्स थे जो कि थे आरएसएस, बीजेपी और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनके ऊपर। तो बहुत लोगों को वो लाइन समझ नहीं आई, और चैन के ने अपने रिसर्च की बेसिस पे वो गाना लिखा था और सारी बातें करी थी। अब हर बंदे को सारी चीज़ें नहीं मालूम होती है जितनी उन्होंने रिसर्च करी चैन के ने, वो हर बंदा लेके नहीं घूमता है। तो सबको नहीं पता था कि क्या मतलब हो रहा है पूरे गाने में। तो इस चीज़ के लिए चैन के अपने इंस्टाग्राम में स्टोरीज डाल रहे थे लिरिक्स ब्रेकडाउन, और अजनबी के बारे में बता रहे थे
कि ऐसा ऐसा लिरिक्स है और इस कारण से मैंने ये चीज़ बोली है मोदी जी को और आरएसएस के बारे में और आरएसएस के जो लीडर हैं उनके बारे में। और जैसे कि आप लोग को मालूम है चैनकी के पास इंस्टाग्राम पे उतनी ऑडियंस नहीं है जितनी उनके पास यूट्यूब पे है, तो वहाँ पे ज़्यादा लोगों तक वो पहुँच नहीं पा रहा था मैसेज, तो इस कारण से उन्होंने उनके यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो अपलोड करा और उसमें वो बता रहे हैं सारी चीज़ें। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो वो वीडियो जाके देख सकते हो और मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताओ कि चैनके सही कर रहे हैं या फिर गलत, और इस चीज़ के लिए उनको बैकलैश मिलेगी या फिर नहीं। और वैसे तो उनको मिल रही है अच्छी खासी, और ट्रोल भी हो रहे हैं इंस्टाग्राम पे, बिकॉज एक आर्टिस्ट खुद ही के गाने का लिरिक्स ब्रेकडाउन कर रहा है। पर मुझे ये चीज़ कोई गलत नहीं लग रही है, अगर आर्टिस्ट को अपने गाने के बारे में बताना है तो ठीक है, उसकी मर्ज़ी है। और इसी चीज़ के बारे में बात करते हुए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी डाली, तो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ। कभी कभी मैं कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ तो बड़ा बुरा लगता है, अफसोस होता है कि लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं। लॉजिक ने अपने लिरिक्स ब्रेकडाउन की हुई है, टोकन कर चुका है, इवन एमिनम एक्सप्लेन हिज कॉम्प्लेक्स लिरिक्स ऑन जीनियस। अगर एक आर्टिस्ट स्लैश रैपर अपना ब्रेकडाउन कर रहा है खुद तो उसमें कोई मसला नहीं है यार, कम से कम उर्दू तो ठीक आती है। तो यहाँ पे चैन के बात कर रहे हैं लॉजिक और एमिनम के बारे में कि वो अपने लिरिक्स ब्रेक डाउन करते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली अपडेट आ रही है तो पहला गाना जो है उसका नाम है पायल बाय वॉइड, और ये गाना आप लोग को सुनना चाहिए। म्यूज़िक वीडियो आया है और गाना तो बहुत अच्छा है, पर मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है कि वॉइड एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और ये जो गाना है काफ़ी अलग है, क्लासिकल हिप हॉप कह सकते हैं, क्लासिकल और हिप हॉप का बहुत अच्छा फ्यूजन बनाने की कोशिश करी है वॉइड ने, और मुझे खासा पसंद आया गाना। तो अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगला गाना जो है उसका नाम है शिवा हुड बाय प्रधान, और इसका म्यूजिक प्रोड्यूस करा है ए शॉक ने, वीडियो के साथ आया है और मुझे पसंद आया गाना, लिरिक्स बहुत अच्छे हैं और प्रधान की जो खासियत है वो इस गाने में दिख रही है। और बहुत ही सिंपल रहता है प्रधान, लिरिक्स बहुत ही मतलब इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, बहुत ही प्यार से पंचलाइंस देते हैं और इस गाने में भी वही करा है, कोरस मुझे खासा पसंद आया है। तो अगर आप लोग ये गाना सुनना चाहते हो तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और अच्छा गाना है, बहुत महीनों बाद आया प्रधान का, तो जाओ सुनो। तो बस दोस्तों आज के लिए इतनी अपडेट्स थी, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको भी प्रेस कर देना। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।